लोड बियरिंग एंड फ्रेम स्ट्रक्चर घर में क्या डिफरेंस होता है, आपको कौन सा घर बनवाना चाहिए, आज इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। लोड बियरिंग घर हमारा वॉल बियरिंग स्ट्रक्चर होता है। फ्रेम स्ट्रक्चर घर होता है वो कॉलम बीम स्ट्रक्चर होता है। लोड बियरिंग घर में स्लैब का लोड वॉल में आता है और वॉल का लोड हमारा फाउंडेशन में और फाउंडेशन से ग्राउंड सरफेस में ट्रांसफर होता है। फ्रेम स्ट्रक्चर घर में स्लैब का लोड बीम पर जाएगा और बीम से कॉलम में और कॉलम से फाउंडेशन में जाता है और फाउंडेशन से ग्राउंड सरफेस में ट्रांसफर होता है। इसमें किसी भी प्रकार की दीवार पर कोई भी लोड नहीं होता है। पॉइंट नंबर दो, लोड बियरिंग घर की सभी दीवारें लोड बियरिंग वॉल होती हैं और फ्रेम स्ट्रक्चर घर में सभी दीवारें नॉन लोड बियरिंग होती हैं, यानी कि इन पर किसी भी प्रकार का लोड नहीं होता है और स्क्रीन वॉल भी होती हैं, यानी कि जैसे कि प्लाईवुड की आपने देखी होंगी, बहुत सारे घर में पार्टीशन वॉल लगवा देते हैं। पॉइंट नंबर तीन, लोड बियरिंग घर की सभी दीवारें शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन में ही प्रोवाइड की जाती हैं और फ्रेम स्ट्रक्चर घर में सभी दीवारें प्लिंथ बीम पर रेस्ट करती हैं। इसमें किसी भी दीवार को डीप फाउंडेशन या फिर शैलो फाउंडेशन नहीं दिया जाता है, इसमें केवल फुटिंग को ही डीप फाउंडेशन दिया जाता है। पॉइंट नंबर चार, लोड बियरिंग घर की सभी दीवारों को गहराई तक सब सॉइल तक ले जाया जाता है फाउंडेशन के लिए। फ्रेम स्ट्रक्चर घर में केवल फुटिंग को ही गहराई तक ले जाया जाता है सब सॉइल तक। पॉइंट नंबर पाँच, लोड बियरिंग घर की दीवारें या तो ब्रिक्स से बनाई जाती हैं या फिर स्टोन से भी बना सकते हैं। फ्रेम स्ट्रक्चर घर में कॉलम बीम एंड स्लैब को RCC का ही बनाया जाता है। पॉइंट नंबर छः, लोड बियरिंग घर की सभी दीवारों को किसी भी कंडीशन में 200 mm से कम नहीं कर सकते हैं। वहीं पर फ्रेम स्ट्रक्चर घर की दीवारों को केवल बाहरी दीवारों को 200 mm रखा जाता है और अंदर की जो दीवारें होती हैं उसे 100 mm या फिर उससे भी कम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर सात, लोड बियरिंग घर की सभी दीवारों को एक बार बनाने के बाद में हमें कभी भी इनको डिसमेंटल नहीं करना चाहिए, यानी कि तोड़फोड़ या फिर इसे चेंज भी नहीं करना चाहिए। फ्रेम स्ट्रक्चर की सभी दीवारें शिफ्टेड होती हैं, यानी कि उन्हें कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है और इसे चेंज भी कर सकते हैं। इन पर किसी भी प्रकार का कोई भी लोड नहीं होता है। पॉइंट नंबर आठ, लोड बियरिंग घर में डोर, विंडो और वेंटिलेटर के लिए अधिक ओपनिंग अलाउड नहीं है। फ्रेम स्ट्रक्चर घर में ऐसी किसी भी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें आप कितना भी ओपनिंग कर सकते हो। पॉइंट नंबर नौ, लोड बियरिंग घर में ग्राउंड फ्लोर का जो प्लान होता है हमें उसी से कंटिन्यू करना होता है फर्स्ट फ्लोर के लिए, इसमें हम अपना प्लान चेंज नहीं कर सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर की जितनी भी हमारी दीवारें होंगी उन सभी दीवारों को कंटिन्यू हमें ले जाना होगा। यहीं पर आप फ्रेम स्ट्रक्चर घर में प्रत्येक फ्लोर का प्लान चेंज कर सकते हो। पॉइंट नंबर दस, लोड बियरिंग घर बनाने के लिए गुड बियरिंग कैपेसिटी की मिट्टी होनी चाहिए, जैसे रॉक्स, सैंडी सॉइल एंड ग्रेवली। फ्रेम स्ट्रक्चर घर में पुअर बियरिंग कैपेसिटी की यदि मिट्टी है तो उसमें पाइल्स फाउंडेशन के जरिए हम अपना घर बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 11, लोड बियरिंग घर स्मॉल रेजिडेंशियल और ग्रामीण एरिया में जो बनने वाले छोटे घर हैं या फिर तीन मंजिला घर के लिए ही सूटेबल हैं। हमें लोड बियरिंग घर को कभी भी तीन मंजिला घर से ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए। फ्रेम स्ट्रक्चर घर में मल्टी स्टोरीज या फिर हाई राइज बिल्डिंग भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।